आज एक्सपेक्टेशन में क्या करूं, आर्टिस्ट के लिए जीवन में ये होता है कि वो अपनी बातें जो हैं गा करके सुनाता रहे, लोगों को खुश करता रहे और एंजॉय करता रहे। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आज आप परफॉर्म करने वाले? मैं परफॉर्म, बिल्कुल मैं परफॉर्म करने वाला हूं, और मेरे पार्टनर हैं नीरू, नीरू तोची रैना, जो हम लोगों ने म्यूज़िक किया जिस एल्बम का, वही परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं हम लोग। तो आज बिल्कुल अवार्ड होता ही मोटिवेशन के लिए, कि आदमी को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि आज मैंने एक सीढ़ी चढ़ा था, अब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाऊँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि बैंड ऑफ बंदगी का अपना चैनल है, और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एक आर्टिस्ट की जर्नी, एक आर्टिस्ट अपने आप को कितना पढ़ के यहाँ तक आया है, और मेरी जर्नी तो आपको नेट पर मिल जाएगी सारी। और उसके बावजूद आ करके हम 14 फरवरी से हर महीने 14 तारीख को गाना डालते हैं। इंडिपेंडेंट हमारा वो दिन है 14 फरवरी कि आप 14 वैलेंटाइन डे वाले दिन लोगों को क्या देते हो। हमने सबसे पहला एल्बम दिया सोने पिया, फिर सेकंड आया ब्रदर का 14 मार्च को, मन डगर डगर, फिर तीसरा आ रहा है वो बहुत तगड़ा सस्पेंस है, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा। तो हर महीने की 14 तारीख को ये सिलसिला जो है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का, वो तो हमारा यूट्यूब चैनल है बैंड ऑफ बंदगी, आप उस पर जाएँ सुनें, आपको कुछ अलग सुनने को मिलेगा। Thank you. Thank you. It should be very exciting. I think it's going to be a wonderful platform for the young and people who are into passion. I see. My album is also coming up. Yeah, Sunto Zara. Maybe it should be launched in the next couple of days through same platform. Thank you so much. Nothing, I'm not even supposed to be in Mumbai. I've come here to support Artist Loud, Hangama, my sister Jaya, and Somni. We don't have so many music awards. This is such a big deal, and we have to make it bigger and bigger and bigger. Because here is a place where you start giving respect or some kind of recognition to independent artists. चार लाइन तो सब बोलते हैं ना, चार लाइन गा के जाए हो, ये वो इंडिया में हमेशा कहते हैं ना, दो लाइन गा दो मैडम, मतलब पूरा गाना। या व्हाट शुड आई टेल यू, आई जस्ट डिड द राइजिंग मिक्स टेप विच एप्पल टुक ऑन बोर्ड। मैंने पूरी इंडियन इंडस्ट्री को बोला था कि मैं ये कर रही हूँ, उस टाइम पर किसी ने बात नहीं सुनी। सो आई टुक 30 आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट पूरी दुनिया के, क्योंकि जब मैं कुछ कर रही थी मेरे को सिखाने वाले कम थे, और आजकल इतना टैलेंट है, तो इफ़ आई कैन गिव देम सम काइंड ऑफ कलेबोरेशन फ्री में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेट्स ऑल डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर। आर्टिस्ट अलाउड सपोर्टेड मी, एंड शो ऑफ मत कर, शो ऑफ मत कर, शो ऑफ मत कर, आई जस्ट वन MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स फॉर द वन प्रोजेक्ट that nobody wanted to support apart from Artists Aloud. Oh, watch out. I don't know, because Joe Troll Police MTV पे आया था उस दिन, मैं घर रेंट पे डाल के चली गई थी, like I went home. तो मेरे को किसी ने फ़ोन किया, ए तू इस everywhere, तू रोई क्यों? तो आई फील लाइक सबका एक दिन होता है यार, हम वी ऑल ब्रेक डाउन, सब सोचते हैं हार्ड कोर है, तेरे को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। मेरे भी वो वाले दिन आते हैं कि मेरे को रोना पड़ता है, मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू से। रैपर पेपॉन इज अमेजिंग, वो मैंने सुना नहीं है। मैंने कल लैंड किया एक शूट के लिए, तो मेरे को बताया गया कि ऐसे हुआ। आई डोंट नो, जैसे आई फील माइकल जैक्सन के बारे भी बहुत कुछ किया कहा था ना, हाउ डू वी नी नो द हिस्ट्री, हम वहाँ थे, हमने देखा नहीं देखा ना। तो व्हेनेवर एनीबॉडी बिकम सक्सेसफुल,
people always talk shit about you. It's up to you if you want to believe it. For me personally, Papon and Michael Jackson has made amazing music. So, जब आपको हमारे जैसे लोग अच्छे लगते हैं कि हम म्यूज़िक बना रहे हैं या हमको चर्चा कर रहे हैं, हम आपको पसंद हैं. जिस दिन आपको पता लगता है कि हम भी इंसान हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे थोड़ी होता है. तू भी इंसान है ना, तेरी टट्टी से भी बहुत आती है. ये थोड़ी कि मैं टट्टी करती हूँ उसमें कैल्विन क्लाइन या खुशबू आती है. नो ना, वी ऑल आर ह्यूमंस. पता है स्टार कौन होता है? लोग बनाते हैं. हम स्टार नहीं हैं, हम बस अच्छा काम कर रहे हैं. अगर मेरे को कोई बोले आपका गाना बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, किसी ने अप्रिशिएट किया, भाई इधर कोई स्टार नहीं है, मतलब स्टार्स आ रहे हैं. शेर नहीं है जट्टी, बोल दिया सो बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटी, आग मिला लो और तुड़ा लो फ्री में अपनी हड्डी, आई एम अ चैंपियन. और मैं ऐसे ही मरूंगी, चाहे किसी को पसंद है या ना. थैंक यू. It's going to be a fun evening. You know, I've been associated with Artists Aloud for quite a long time now, and I'm looking forward to seeing what performances are going to happen over here. The awards, of course, I've been the host for their jury session, so I've kind of seen what's happening behind the scenes for all of these awards. Now I want to see who the jury has finally selected, who's going to be winning the awards here tonight. And I'm also looking forward to seeing all of my friends from the industry perform. There are some fantastic acts who are going to be performing live over here. So I'm looking forward to seeing the magic unfold here at the 6th Artists Aloud Music Awards. No, today there's no hosting. Today I've come just to enjoy the music. I'm not singing, I'm not performing, I'm not doing anything. I'm here just to watch and support all the other fantastic independent artists who are going to be performing here and who will hopefully be winning their first awards here at the Artists Aloud Awards. You know what, listen, if you manage to, in our country where the only two really big things that work are Bollywood and cricket, in that situation, if any artist manages to get a song out, they are winners in my book. They don't need to win an award to prove that they are winners, because you know, just to be able to do that, just to be able to put in the time, the effort, the hard work that goes into making original music, and then having somebody like Artists Aloud appreciate that, acknowledge that, and get your music released all across the world, for me, you guys are winners in my book. So all the artists who are performing, whether they are nominated, whether they are winning today, or if they've just released a song which is not even nominated, it's been released by Artists Aloud or any other entity, I think they're all winners in their own right, because they're managing to do what they really, really love in a country where doing something like this is a difficult thing to do. Yeah. Sure, thanks. Thank you for having me. It's my first time in like 12 years, man, so I'm really excited. I'm here from Toronto, Scarborough. So I'm excited to meet artists and network with people. I'm looking forward to all the performances as well. I make Desi rap, so I'm part of Indian music. So I'm looking forward to see other artists, like I said, and I'm hoping to collaborate with some other artists from India. From India, I would say Raftaar, of course. I like what he does. And obviously there's Shah Rukh, you know, the underground rapper. So I'm working on something with him. Hopefully we're going to have something for you guys pretty soon. Thank you. Okay, this one, no? Yeah, very exciting day for me, and I'm performing here tonight. I have been a very integral part of Artists Aloud Music Awards. I was one of the first artists that Artists Aloud signed on when they started. So this is really nice, a proud moment for me. And I'm also nominated for my song 24 Hours Irresponsible, which is an international collaboration with Big Mountain. So I'll be performing, as you know, that this is the only award for independent music awards in India. So I'm not performing any Bollywood song of mine, by the way, tonight, which I know which ones you're talking about. I'm performing my non-film music song, like Kya Nazakat Hai,
a song which is a social message about don't drink and drive, anti-drunken driving song called Don't Drink and Drive, and another pop song of mine called Bakhuda. Thank you. Not now. Yeah, sure. Hey, what's happening, guys? This is Ace from Mumbai's Finest. We nominated for 6 awards and we're performing tonight. Make sure you check out, support. Yo. 6 awards tonight. 6, baby. Thank you. We're good to go. Itne sare cameras. Fashion. Sorry, come again. What's my? My expectation tonight is A, good music, great performances, but most importantly, the continued support of all the partners that are here tonight to support this independent music initiative of honoring independent musicians who spend a lot of their blood, sweat, tears and their own money into putting out music for all of us every year. So that's, I mean, and that's always been my effort and my endeavor and my contribution to give the support to them in whatever way possible. That's it. Ho gaya. Bye. I'm excited. Excited. What do you want me to say? Am I like super excited to be here? Or would you... What I'm excited about is that this time it's being done in a very upgraded manner. The artist lot who is performing is at the moment the current crop, right? And it is something I'm looking forward to in terms of nothing related to Bollywood. So that's the one thing which is kicking me about it. Secondly, I hope that whichever artist is performing today is well worth the votes and all the links and descriptions which I've been getting all throughout this last month. And I hope the voting process is pushing out and churning out somebody fantastic. And I hope that person who wins it sticks to this program called Indie Pop. Thank you. हाँ जी बोलिए मैं आज जो एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि एक्चुअली इट्स अवार्ड फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड आई एम श्योर द एवरीवन जो भी जिन्होंने भी सबमिट किया आई एम श्योर दे आर रियली रियली गुड इन टैलेंट सॉरी ओके या हाँ एक्चुअली मैं ये कहूँगा जैसे जो प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट अलाउड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक एंड आई वुड से इट्स अ रियली अमेजिंग पार्टनर एंड वेरी वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज जो आजकल जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक को है उसके लिए बहुत ही कम प्लेटफॉर्म है एंड आर्टिस्ट अलाउड इज कमिंग फर्स्ट एंड यू नो इट्स रियली ग्रेट एंड इट्स ऑफकोर्स इसमें बढ़ावा ही मिलता है क्योंकि जो हमारा जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कम जो कैटेगरी आती है फोक सूफी यू नो इस तरह की कैटेगरी जो आती है विच इज़ यू नो पीपल बोलते हैं कि इट्स ए डाइंग आर्ट सो इस तरह के प्लेटफॉर्म जो आएंगे तो इससे आई एम श्योर देन पीपल विल नॉट से इट्स नॉट डाइंग आर्ट पधारो मरे जी देश देश रे पधारो मरे जी देश थैंक यू I'm super excited. Like, share, and subscribe to TV Next Bollywood.